गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनुकृताज पॉसम डेजी। और आज मैं आपके साथ एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, व्हाट्स इन माय डॉग्स ट्रैवल बैग। जब भी अपने डॉग को लेकर ट्रैवल करती हूँ तो मैं उसमें क्या क्या लेती हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले ये है मेरा डेजी का बैग। ये बहुत ही भरा है, ये 75 लीटर्स के है और इसमें साइड में दो बड़े बड़े पॉकेट्स दिए गए हुए हैं। फ्रंट में एक बहुत ही बड़ा पॉकेट है और जो कि मेन पॉकेट है वो इसमें काफ़ी स्पेस है। और मैं इसमें क्या क्या लेती हूँ वही आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला पेट वाइप्स। जब भी एंटर करती हूँ कूप में, आई ऑलवेज मेक श्योर कि उसका बॉडी क्लीन रहे, तो मैं पेट वाइप्स यूज़ करती हूँ। मैं यहाँ पे स्मार्टी पेट यूज़ की है। मार्केट में बहुत सारे पेट वाइप्स मिलता है, आपको मिल जाएगा। मैं पेट वाइप से उसके पॉज, उसके टेल, उसके फेस, उसके एंटायर बॉडी क्लीन कर लेती हूँ। फिर आता है उसका सैनिटाइज़र। इसके भी सैनिटाइज़र आजकल हो गया है, मार्केट में आ गए हैं। और मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है सैनिकैन। ये इसका वाइस भी आ गया है, पर मैं जब ख़रीदी थी तब इसका ये स्प्रे बॉटल ही था, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब इसको शेक कर लो, फिर उसके पॉज में स्प्रे करके आप उसके वाइप्स से साफ़ कर दो, बस हो गया। फिर मैं लेती हूँ उसका वाटर बॉटल, जो कि ये है, कुछ ऐसे दिखने में है। इसको स्क्वीज करने से इसमें पानी आ जाता है और फिर इसको रिलीज़ करने से वो फिर से अंदर चला जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आपको ये अमेज़न में आराम से मिल जाएगा। मैं फिर भी आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरत है, इसलिए पानी का बॉटल। फिर मेरे पास है ये फोल्डेबल बोल, जो कि मेरे डेजी के लिए तो काफ़ी छोटा है, पर पता नहीं वो कैसे मैनेज कर लेती है इसमें खाना खाने की। ये फोल्डेबल बोल सिलिकॉन का है, इसमें मैं खाना डाल देती हूँ, वो खा लेती है और ये फोल्ड हो जाती है बहुत अच्छे से, पूरा फ्लैट हो जाती है। और जब भी ज़रूरत पड़ता है तो फिर से इसको ऐसे ओपन कर लेती हूँ, देखिए कुछ ऐसे खुल जाते। नेक्स्ट आता है फूड। मैं अपनी डेजी को हमेशा लाइट फूड में रखती हूँ जब भी वो ट्रैवल कर रही है, जैसे कि ग्रेवी हो गया। मार्केट में बहुत सारे ग्रेवी मिलते हैं, तो इस बार मैंने परचेस की है ये कैनल ग्रेवी। ये कैनल ग्रेवी, इसका बड़ा पैकेट आता है जिसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, फिश का होता है, चिकन का होता है, लिवर का होता है, पम्पकिन का होता है। तो ये मैंने रख दिया है और ये सेट पे आता है, जैसे जैसे कि फिश का है, फिश का 3 पाउचेस है, चिकन का है, चिकन का 3 पाउचेस है, ऐसा करके आता है। तो मुझे भी इसी हिसाब से उसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और फिर ब्रेकफास्ट हिसाब से सर्व कर देती हूँ। फिर आता है ट्रीट्स और स्नैक्स। मैंने अमेज़न से ये फर्स्ट बाग से ख़रीदी है, ये कॉम्बो पैक था। तो फर्स्ट बाग की ये चिकन जो है क्यूब्स, ये दो है और ये दो क्यूब सा है। एक है डेंटल के लिए, ये बार है, डेंटल बार, और ये गुडीज से है। और एक है डाइजेशन के लिए, प्रोबायोटिक्स, ये भी गुडीज से है। तो क्या होता है ना, शाम के टाइम में हम लोग भी खाना खा रहे ट्रेन पे, तो उसे भी मैं ये दे रही थी। फिर उसके बाद उसके बैग में है ये कैल्शियम बोन, ये काफ़ी बड़ा है, ये एक ही काफ़ी है एक पर वन वे ट्रैवल के लिए। तो ये अगर उसे मिल जाए तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है पी एंड पूप के लिए। मैं पी एंड पूप के लिए पी पैड्स यूज़ करती हूँ, जो कि कुछ इस तरह होते हैं दिखने में। पीस के लिए मैं लेती हूँ ये पी पैड, ये काफ़ी बड़ा होता है और ये 1 to 2 times यूज़ करने के लिए ही है, मतलब है। तो ये काफ़ी बड़ा है और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पता नहीं होता कि डॉग कौन से जगह पे करेगा। पूप के लिए मैं यूज़ करती हूँ पूप पैक।
काफी फैंसी है ना। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इसे अमेजन में देखी थी। थोड़ा प्राइसी है। इसके साथ ही बैग्स भी आते हैं। इसको सब पुल करो, टियर करो और फिर उसको ओपन कर लो। बस फिर आता है ये स्कूप। इसको आप ऐसे ऊपर उठा दोगे तो ये फोल्ड हो जाएगा और आराम से आपके बैग के अंदर आ जाएगा। ये जो पार्ट है, आप इसको पुल डाउन करोगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो आपको डॉग का जो पूप है, मतलब पॉटी है, वो पूप बैग को कवर करके अब इसे आराम से, ये काफ़ी वाइड भी खुलता है, तो करके आप आराम से उठा के बिन में फेंक सकते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है ये डिस्पोजल बैग्स। ये बहुत ही काम के है। ये डिस्पोजल बैग्स क्या मैं क्या करती हूँ, जैसे वो अपने पी पैड में पी कर लेते हैं, मैं पी पैड को फोल्ड करके ये डिस्पोजल बैग, ये बेसिकली एडल्ट डायपर बैग है। जैसे बेबी डायपर डिस्पोजल बैग्स आता है, हर मम्मी को पता है कि वो क्या होता है, वैसे एडल्ट डायपर बैग्स भी होते हैं। तो मैंने ये वाला लिया क्योंकि बेबी डायपर जो होते हैं वो, उसका प्लास्टिक बहुत, प्लास्टिक नहीं, उसका बैग बहुत छोटा होता है, तो वो पी पैड उसके अंदर नहीं फिट होगा, तो इसलिए मैंने एडल्ट डायपर बैग मंगवाए हैं। और ये सच में काफी बड़ा है, कुछ ऐसे, ये काफी बड़ा है। आप इसमें आराम से इसको ओपन करके अपनी पैड डाल के फिर इसकी ये जो टेप है ये हटा के अब आराम से फोल्ड करके सील करके थ्रो कर सकते हो। फिर उसके बैग में रहता है ब्रशेस। ब्रशेस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कहीं भी खेलती है, कूदती है, तो अगर उसका बाल बिखर जाए तो ब्रश बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी पुराना ब्रश है और मेरे डेजी इसको चबा के खा भी गए हैं, तो ब्रश वेरी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मेरा डेजी का लेश, जो कि ये है। ये जो है, इसका भी लिंक मैं नहीं दे सकती, ये भी मैं दुकान से जाके परचेस की थी। ये जो होता है ना शोल्डर वाला, गले का नहीं है ये, बैक का है, तो ये वो है। ऑफ कोर्स ट्रैवल करेंगे तो लेश इज वेरी इम्पोर्टेंट। फिर आता है कार सीट सेफ्टी, जो कि ये है। ये हम लोग जैसे कार में हम लोग जैसे वो बेल्ट पहनते हैं ना, ये वाला वहीं पे लॉक करना पड़ता है और बस योर पेट इज सेफ टू ट्रैवल। और ये जो हुक है ये उसके लिश में जाता है, तो वो फुल्ली सिक्योर्ड होते हैं। इससे आप एडजस्ट भी कर सकते हो कि आपको उसे कितना छोड़ना है और कितना टाइट करके रखना है। सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो। आप भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपके डॉग बैग में क्या रहता है जब आप ट्रैवल करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर टुडे।